मुर्देश्वर शहर कर्नाटका के भटकल तालुका में पड़ता है और ये शहर मुर्देश्वर मंदिर और उसके साथ में एक विशाल शिवजी का मूर्ति उसके लिए काफी प्रचलित है। मुर्देश्वर मंदिर रामायण काल की कथा पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू देवताओं ने आत्मलिंग नाम के एक दिव्य लिंग की पूजा करके अमरता और अजयता प्राप्त की थी। तो लंका का रावण भी इस आत्मलिंग को प्राप्त करना चाहता था ताकि वो अमर हो सके। अब ये जो लिंग था ये शिव भगवान का कंट्रोल था इसके ऊपर, तो रावण ने बहुत इसकी भक्ति की शिव जी की और एक दिन शिव जी ने प्रसन्न होकर इनसे पूछा क्या चाहिए तुम्हें, तो उसने बोला कि मुझे ये आत्मलिंग दे दो। तो शिव जी ने एक शर्त रखी, मैं शिवलिंग तो दे दूंगा लेकिन जहाँ भी तुम इसकी स्थापना करोगे वहाँ पहुँचने से पहले पहले इसको कहीं और मत रख देना जमीन पे, अगर रख दिया तो फिर ये तुम इसको उठा नहीं पाओगे। तो शिव जी इससे सहमत हो गए और लिंग लेके लंका की तरफ निकल पड़े। जब इस बात की जानकारी विष्णु जी को पता चली तो उनको लगा कि अगर रावण अमर हो गया तो पृथ्वी पर वो कहर बरपा देगा, तो उन्होंने गणेश जी से सलाह की कि कैसे भी रावण को रोको कि ये आत्मी वहाँ ले जाकर उसकी पूजा ना कर पाए। तो गणेश जी जानते थे कि रावण एक बहुत ही पूजा पाठ वाला अनुष्ठान करने वाला राजा है, तो उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया कि कैसे भी रावण को रोका जाए। जब रावण गोकर्ण के पास पहुंचा तब तक शाम ढलने लगी थी और रावण को हमेशा की तरह संध्या अनुष्ठान करना था, लेकिन उसको डर था कि अगर वो अनुष्ठान के समय आत्मलिंग को कहीं रख देगा तो फिर उठा नहीं पाएगा। वो इसी चिंता में डूबा हुआ था तभी उनको वहाँ पर एक ब्राह्मण बालक दिखाई देता है। वो उस बालक को कहते हैं कि जब तक वो अनुष्ठान करता है इस आत्मलिंग को संभाल के रखे और जमीन पे नहीं रखना। तो ब्राह्मण बालक इसमें हामी भर देता है और अनुष्ठान के बाद देखता है कि आत्मलिंग तो जमीन पर रखा हुआ है। वो ब्राह्मण बालक कोई और नहीं बल्कि गणेश जी ने ब्राह्मण बालक का रूप लिया हुआ था रावण को आत्मलिंग लंका ले जाने से। ये देखकर रावण बहुत क्रोधित हो गया और उसने आत्मलिंग उठाने की कोशिश की, नहीं उठा पाया। उसने गुस्से में उसको तोड़ने की कोशिश की पर कुछ उसका कर नहीं पाया और आत्मलिंग यहीं मुर्देश्वर में ही स्थापित हो गया। मंदिर के प्रांगण में और भी छोटे कई मंदिर हैं। ये मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाने के लिए लाइन लगी हुई है। एक बार इसके अंदर हम घुसेंगे तो उसके बाद में कैमरा फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। मंदिर के बाहर ये गणेश जी की बहुत खूबसूरत मूर्ति है। गर्भगृह से बाहर निकलने के बाद ऐसे छोटे छोटे मंदिर जो बाहर में चारों तरफ है उनके दर्शन कर सकते हैं। सामने बहुत खूबसूरत सोने का रथ है। ये नवग्रह मंदिर है, छोटा सा मंदिर है लेकिन काफी अच्छे ढंग से बनाया है। मंदिर के पीछे की तरफ शिवजी की 123 फीट की एक विशाल मूर्ति है। ये दुनिया में ऊंचाई के हिसाब से तीसरे नंबर की मूर्ति है।
मंदिर के ठीक सामने नंदी की एक खूबसूरत मूर्ति है, शिवलिंग की तरफ देख रही है। सामने ये गोपुरा 20 मंजिल का है, इसको 2008 में बनाया गया था। इसमें लिफ्ट है और 20 रुपये का टिकट है, आप ऊपर जा सकते हैं। ये अब हम गोपुरा के अंदर घुसते हुए मंदिर के बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाहर में ये दो सुंदर हाथी द्वारपाल की तरह रखे हुए हैं। मंदिर के बाजू में ही ये बहुत सुंदर बीच है, मुर्देश्वर में स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के लिए यहाँ से बोट से आपको काफी दूर लेके जाते हैं। कितनी सुंदर मूर्ति दिख रही है और गोपुरा भी कितना सुंदर दिख रहा है। अगर आपको कभी समय मिले तो मुर्देश्वर आके इस मंदिर के और शिव जी के दर्शन जरूर करना। धन्यवाद।